एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 8:30 एंड मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज, क्योंकि आज मेरी बेटी दुर्गा कंप्लीट्स 5 मंथ्स एंड एवरी 19th ऑफ एवरी मंथ आई एम गोना व्लॉग, सो दैट इट यू नो इट्स लाइक अ मेमोरी। और मैंने डिसाइड किया था, मैंने इनिशियली नहीं ब्लॉग किया था कुछ, आई थिंक दो तीन महीने नहीं ब्लॉग किए थे, पर मैं आज ज़रूर करूँगी। क्या हुआ ना, मैंने सुबह ट्राई किया था मैं सुबह एस्थेटिक वीडियोस शूट करूँ ऐसे अच्छे से एंड ऑल ऑफ दैट, पर नहीं हुआ क्योंकि वो रोने लगी। फिर मेरी मम्मी अकेले खाना बना रही है, आई मीन ब्रेकफास्ट बना रही है, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने बोला जाने दो, एस्थेटिक वीडियोस गया भाड़ में, मैं नॉर्मली ब्लॉग करूँगी सो दैट आई कैन कनेक्ट विथ यू एंड मुझे ब्लॉग बनाना था। मतलब अगर वो एस्थेटिक नहीं भी बनते तो कोई बात नहीं, पर मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी आज। तो सबसे पहले दुर्गा है अपने वो बाहर है अपने डैडी के साथ है, वो खेल रही है। मैं सबसे पहले उठ के क्या करती हूँ आपको मैं दिखाती हूँ। सो आजकल जो मेरा रूटीन है ना, वो ये है कि मैं सबसे पहले अपने एक बुक में आई राइट माई मैनिफेस्टेशन और उसके बाद एक ग्रैटिट्यूड जर्नल है वो लिखती हूँ। ये है वो बुक जिसमें मैं लिखती हूँ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लिखती हूँ, बट जैसे कि मैं आपको दिखाऊँगी नहीं मैंने क्या लिखा है। यहाँ पर मैं अपना विश लिखती हूँ और यहाँ पे मैं अपना ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ कि मतलब मैं कौन सी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ वो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये मैं करने वाली हूँ 21 डेज के लिए, इससे क्या होता है ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। कोई भी चीज़ आप 21 डेज में करते वो हैबिट बन जाती है, राइट। सो दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग दिस फॉर 21 डेज। सो दिस इज़ वेयर आई राइट माई विशेज दैट आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन एनी फॉर्म। लाइक ऐसा नहीं कि मैं प्रेजेंट में लिखती हूँ, पास्ट में लिखती हूँ, फ्यूचर में लिखती हूँ, जो मेरी विशेज है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ और यहाँ पे मैं अपना ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। सो ये मैं फॉलो कर रही हूँ 21 डेज के लिए। लेट्स सी, आई विल डेफिनेटली टेल यू माई क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस। लेट्स सी, नहीं बोला, आई हैव टू चूज द राइट वर्ड्स। आई हैव टू से, मैं जैसे ही मेरी विश कम्प्लीट होती मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। यस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज राइट एंड पॉजिटिव वर्ड्स। ओके, हमारे घर में बन रही है आज पूरी, जो मेरी मम्मी बना रही है, जो पापड़ी जैसे बन रही है। नहीं, ये फूल गई, इधर लगे तो ना वीडियो डाल, इधर लगे तो ना वीडियो। मैं मम्मी को पूछ रही हूँ कि मैं उनको वीडियो में लूँ, तो वो मुझे बोल रहे नहीं नहीं नहीं, बट ये पूरी अच्छी बनी है। ये है दुर्गा एंड दुर्गा के फादर। हैप्पी बर्थडे। हाँ, का बोलो बोलो। खुशी वाला दिन, जन्म दिन मुबारक। उनकी बहुत सारी जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभेच्छा इस मराठी। She doesn't like me kissing her. The papa doesn't stop. I don't do this. सो मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी एंड दुर्गा भी नहा धो के रेडी हो चुकी है, वो अपने डैडी के साथ बाहर है। एंड ये आप मैं देख सकते हैं मेरा हेयर कट, ये मैंने खुद से किया है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है द लुक व्हाट इट हैज़ गिवन मी, लेयर्स लेयर्स। इसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है शॉर्ट्स में, तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिसके कर्ली बाल है या बेबी बाल है उन पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज थोड़ी बहुत गलती भी जो हो जाती है ना वो ऐसे पता नहीं चलता है ऐसे बालों में। तो अभी का प्लान मेरा ये है
मैं जा रही हूँ लंच बनाने, लंच पे बन रहा है अंडा करी। एंड वैसे तो कुछ खास आज क्या बोलते हैं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, शाम को हम लोग केक लाएंगे। मैं ना सच में केक खा के पक चुकी हूँ, बट अभी सिंस इट्स दुर्गा फिफ्थ मंथ बर्थडे तो मैंने सोचा कि एक केक लाके कट करते हैं। एंड तो जैसे जैसे कुछ होगा दिन जैसे जैसे बीता जाएगा मैं ब्लॉग करूँगी, तो मैं मिलती हूँ आपको जल्द। बाय, फेस दिखाओ एक मिनट। हम लोग ब्लर क्यों आ रहा है पता नहीं। ठीक है ओके, खेलो खेलो बाय। दिखाया मैंने, वो वीडियो डाला है पल्टी मारने का। आराम से आराम से, हम हाथ खाएंगे पल्टी मारेंगे, हाथ खाएंगे पल्टी मारेंगे। ये वेरी गुड, ओके चलो बाय बाय। सो मैं आपको मिल रही 5:30 बजे। बीच में तो मैं थोड़ा सो गई थी, दुगू भी सो गई थी, तो ऐसे कुछ खास किया नहीं। अभी का प्लान ये है कि अभी हम केक लेके आएंगे एंड सोचेंगे कि थीम क्या रखें। मतलब एवरी मंथ हम ऐसे कुछ ना कुछ तो थीम रखते हैं, लाइक एज इन वो 5-4 कुछ ना कुछ तो, मतलब एज इन वो जो लिखते हैं ना 5 months 4 months, उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा थीम रखते हैं। तो आज का थीम मैं मोस्टली सोच रही चॉकलेट से रखूँगी, बट देखते हैं अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। एंड बहुत बारिश हो रही है, एकदम अंधेरा अंधेरा हो चुका है, लाइट बिल्कुल भी नहीं है। और क्या, और तो कुछ नहीं, बस चाय वाय हो गया हमारा। एंड हाँ, अब मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, मुझे एक ये मैं सोच रही थी कि मेरे को ना अपने बॉस को ईमेल भेजना रिटर्न टू वर्क के बारे में। तो मैं एकदम दुविधा में हूँ कि आज भेजूँ, कब भेजूँ, कैसे भेजूँ, क्या रिस्पॉन्ड करेगी, पर भेजना तो है। तो मैं आज या फिर कल भेज दूँगी, आज नहीं भेजूँगी, कल ही भेजती हूँ आराम से। तो अभी फ़िलहाल मैं फोकस कर रही हूँ आज के दिन पर, तो मैं अभी जस्ट वेट कर रही हूँ। शाम को 7 o'clock को विल कट द केक यूजुअल टाइम पे। बस तो यही है आज का दिन, मैं आपसे बाद में मैं आपसे मिलूंगी जब हम केक कट कर रहे होंगे तो गुदा। ठीक है, अच्छा मैं फिलहाल ये बुक पढ़ रही हूँ, मैंने मंगाया है अमेजोन से दैवा। मैं एक रेफरेंस दे देती हूँ सो आपको समझ में आएगा, आपने कांतारा मूवी तो देखी होगी। तो उसमें जो दैवास दिखाए हैं, वैसे बहुत सारे दैवास हैं तुलुनाड में। तुलुनाड मतलब उडपी से आता है कासरगोड तक, सो मैंगलोर बेसिकली, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। सो ये कोस्टल कर्नाटका जो है वहाँ पे ये दैवास होते हैं और वहाँ पे कोला परफॉर्म होता है। तो अगर आपको और जानना है, आपको कांतारा मूवी अच्छी लगी, अगर आपको और जानना है वहाँ के बारे में, तुलुनाडु के बारे में, तो आप प्लीज़ ये बुक पढ़िए। बट थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा इससे, थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली आइडिया मिल जाएगा इससे। सो आप ये रेफर कर सकते हैं बुक। हम लोग रेडी हो गए हैं, क्या पहना है दुकू ने? ये हाँ, तो ये से हमने डेकोरेट किया है, ये हमने चॉकलेट से लिखा है और ये चॉकलेट बनाने की कोशिश की, पता नहीं वो दिख रहा है कि नहीं चॉकलेट, पर ये टिक नहीं रही है चॉकलेट के अंदर। ये भगवान, इसका डायपर ही दिख रहा है। हाँ 2 मिनट के लग प्लीज। हाँ, बस हो गया हो गया हो गया, इसको निकालो। हो गया इसको एंटरटेन रख रहे हैं। We are this time you. So हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन खत्म हो चुका है। दुर्गा भी अभी
सोने की तैयारी कर रही है तो आपको दुर्गा और मित्र से शुभ रात्रि, हैव अ नाइस वीकेंड, हैव फन। ये बच्चे की हालत क्या की है? जो भी बोलना पड़ेगा। एनीवे ठीक है। So end karti hu main ye vlog with such a beautiful laughter. I hope this has made your weekend and it has definitely made mine. So see you all, bye.